हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो यहाँ पे अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेस वाले भैया आए हुए थे और हम लोगों की फ़ोटो क्लिक हुई है, मुझे नहीं पता था। और पेपर में हम लोगों का नेक्स्ट डे पेपर में निकलेगा कि कौन कौन धान लगाने किस लिए आए थे। तो पेपर में निकल गया गाइस कि हम लोग धान लगाने आए थे, जो भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग घर जा रहे हैं और कुछ लोग आगे जा चुके हैं और हमें यहाँ पे कुछ लड़कियाँ थीं जिन्होंने कहा, दीदी अपना चैनल मुझे भी बता दीजिए, मैं भी देखूँगी आपके ब्लॉग। तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसे करके कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस आ गया हूँ, मजा बहुत ज्यादा। और अभी 40 पर पैर रखे खड़े। 40 40। तो भाई, तो गाइस हमको धान लगाने में बहुत मजा आया और हम लोग मतलब आए थे ऐसे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे मिल गया हमको धान लगाने के लिए। तो हम लोगों ने लगाया, पहली बार था, मज़ा काफ़ी आया। और देख सकते हो पीछे गांव के बच्चे कितने सारे आ रहे हैं, नंगू नंगू ऐसा। मज़ा आ गया गाइस, है ना? आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग पैर धुल रहे हैं, हम भी धुल रहे हैं क्योंकि पैरों में बहुत पड़ रही है खुजली, है ना? तो मैंने अपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनके मोबाइल में। फिर यहाँ पे सभी लोग अपने हाथ पैर धुल रहे थे और बहुत ही ठंडा पानी नल का निकल रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी। तो अनिका, पूजा, ये सभी लोग धुल रहे हैं और फिर मैं भी धुल लूँगी गाइस। और कल का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। और ब्लॉग लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट में डाल दिया। तो वैसे भी 18-19 मिनट का ब्लॉग हो ही गया था इस वजह से। तो यहाँ पे सभी लोग धुल लेंगे पैर, फिर मैं भी धुल लूँगी। और तो गाइस प्लीज़ बने रहना, और जो न्यू आते हो ना तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन के साथ में। तो कल का जो मैंने ब्लॉग डाला उसमें भी दो लोगों ने बहुत घटिया कमेंट करा कि आप तो अपने हस्बैंड को भूल ही गई, इतना खुश होके काम कर रही हैं खेतों में, मतलब हद है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आप लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए, आप लोगों को थोड़ा बहुत हंसाने के लिए अपनी बातों से या जो भी है, तो उसमें मैं क्या अपने हस्बैंड को भूल गई? पता नहीं कैसे नीच सोच वाले लोग बसे हुए हैं, जीने नहीं देते। जब रोते हैं वीडियोज़ में उनको याद करके तो बोलते हो कि आप मत रोइए दी, अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग तो कहते ये तो रोती ही रहती है, तो जब हंस के दिखाओ या कुछ नया करके दिखाओ तब तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहते क्या हो, मतलब हद है। ये जो ये चीप लोग होते हैं ना, उनकी तो सोच का तो कहा ही नहीं जा सकता है। तो मैं यहाँ पे मैंने भी अपने हाथ पैर धुल लिए हैं और फिर मेरा मतलब हम लोगों को बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, तो वहाँ पे लगा हुआ था अमरूद का पेड़, तो हम लोग आ गए तोड़ने के लिए। और कुछ लोग तो तोड़ तोड़ के खाए जा रही हैं और बहुत सारे इस वाले पेड़ में अमरूद लगे हुए थे। तो चलिए गाइस बने रहिए। और इस गांव में आके ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गांव के लोग भी बहुत अच्छे थे, जितने भी भैया लोग भी थे और जितनी भी आंटी बच्चे सब बहुत अच्छे थे। हमें पता है गांव के बाहर तक सभी भेजने भी आए, आप लोग देखिएगा। और सब ने बाय भी करा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है कुछ लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा लगा। गाँव के लोगों में प्यार होता है मुझे जितना लगता है। और
क्योंकि गांव में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़े भी आए। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर और सच में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे वीडियो से इन्जॉय किया होगा। तो यहाँ पे सभी बाय कर रहे थे तो पूजा बाय कर रही है, तो यहाँ पे एक सामने मकान पड़ता है इधर साइड में, तो वहाँ से भी आवाज़ बाय की आ रही थी, तो मैं कैमरा मैंने ऐसे मोड़ा कि कौन बाय कर रहा है। तो यहाँ छत से दो लोग थी वो भी बाय कर रही थी, तो सब ने बाय किया और सब बिल्कुल रोड तक छोड़ने के लिए आए। किसी का मतलब इतना थोड़ी देर में इतना सबको अच्छा लग गया, तो यहाँ पे मिल गया हमको ऑटो। तो अब हम लोग चलेंगे घर, अंकल कह रहे थे मेरे घर पे चलो चाय वाय पी के फिर जाना घर को। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं और जाने के लिए। तो चलिए गाइस बने रहिए, और यहाँ पे देखो फिर से बाय हो रहा है हम लोगों का, बार बार बाय कर रहे हैं, तो मैंने भी बाय कर लिया। तो चलिए गाइस फिर बनी रहिए आप लोग। यूट्यूब पे आएगी जिस बाय बाय भैया कहाँ रहा तू? कहाँ जाती हूँ? तो तुम पड़ोसन निकले हो, सब पड़ोसन आ रहे हैं। ये पिस्तौल भी तो पड़ोसन के लिए ही होता है। क्या नहीं है? बहुत खराब लगा था उसके अंदर जाने के कुछ बोल रहा हूँ। बहुत मजा आया, इतनी जोर मारा था सारी भूख लग गई तो अमरूद खाने लगा। यार जो हम पहली बार देखे ना इसे, हमारे चिपक गए बहुत तेज। यार आगा जो पहले पता होता तो हम लोग जाते नहीं इसके अंदर, लेकिन लेकिन सब कुछ सही सही रहा इसके बेचारे के लग गए। खून देखो निकाल लिए। फिर गाइस अंकल के वहाँ आने के बाद में वहाँ पास में मंदिर था, तो हम लोगों ने सोचा दर्शन भी कर लेते हैं। तो सावन के महीने में दर्शन हो गए शंकर भगवान के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और आगे कैसे ब्लॉग देखना चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग दूँ, और माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलिए गाइस हम आपको बहुत ही पुराना कुआं दिखाते हैं। कितना पुराना कुआं है ये देखो, ये बंद कर दिया गया है। पानी है इसके अंदर अंकल? हाँ पानी है, देखो वही डर लगता है। अब वो बीच खोल दो, खुल जाता है। तो आप लोगों ने देखा कितना पुराना कुआं था, और इसके अंदर इसका ढक्कन खोल के देखा गया तो इसके अंदर थे कछुए। तो मतलब दर्शन होते गए, शुभ शुभ काम हो रहा था। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखो ऊपर की तरफ आ रहे थे, चल रहे थे, दो थे इसके अंदर, एक काफ़ी बड़ा था, वो कैप्चर नहीं हुआ मुझसे। फिर हम लोग अंकल के घर में चाय नाश्ता सब कुछ करके और फिर अब अपने घर जाएंगे, क्योंकि बहुत हो गए थे परेशान, और क्योंकि 2:30 बजे से निकले और 5:30 बज गया था हम लोगों को, 4:30 बज गया था, 5 बजे अपने घर पहुंच गए हैं आधे घंटे में। तो चलिए गाइस हम आ गए अपने घर, आ गए हम लोग घर आ गए हम लोग और करके मस्ती गए हैं थक। और अनिका चलो बेटा कोचिंग आपको छोड़ाते हैं, हाथ पैर धुल लो, कोचिंग छोड़ाते हैं, 5:30 बजे बुलाया था मैम ने। तो गाइस चलिए फिर हम अनिका को अभी कोचिंग छोड़ के आते हैं, चलते हैं कोचिंग, अनिका का हाथ मुँह धुलाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, फिर उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। Hey guys, good morning. तो मॉर्निंग का 8:30 हो गया है और अनिका को मैंने स्कूल भेज दिया कल, और स्कूल गई वो। तो कल ब्लॉग भी एंड नहीं करा था तो सोचा मॉर्निंग में बात करके ब्लॉग भी एंड कर दें, क्योंकि इतना थक गए थे खेतों में काम करके, तो बहुत ज़्यादा आ गई थी थकान। और पता है एक चीज़, काम करके मेरा एक फ़ायदा हुआ है, पूछो क्या,
मुझे भूख लगी, इतनी जोरों की भूख लगी घर आने के बाद भी, और अंकल के वहाँ भी नाश्ता किया था फिर भी मुझे बहुत तेज से भूख लग गई। तो मैंने, वैसे मेरी एक रोटी रहती थी रात में, लेकिन मैंने दो रोटी खाई, अभी थकान गई नहीं है, और बहुत जम के मैं सोई हूँ फुल नाइट, मतलब पूरी रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आ गई गाइस। और सुबह मैं फिर उठी वही 6:30 बजे के टाइम पे, और अनिका को स्कूल भी भेजना था तो थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे। तो मुझे आप लोगों को बताना था, वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि हम लोगों का पेपर में भी निकलेगा। मुझे लगता है अंकल के टच में होंगे या अंकल ने बुलाया होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों का पेपर में निकला है गाइस। मैंने मॉर्निंग में देखा कि हम धान लगा रहे हैं और पेपर में निकल गई मेरी फोटो। तो अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, पापा पढ़ रहे थे पेपर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो हाँ, यही बताना चाह रहे थे कि होता है ना, इससे पहले तो कभी पेपर में तो निकला नहीं, लेकिन धान लगाते हुए फ़ोटो तो निकल आई कि हाँ नेहा और अनिका सबके नाम पड़े हुए हैं जिस जिसने धान लगाया है खेतों में। तो वहाँ पे मुझसे उन्होंने भैया पूछा कि आप क्यों खेत में काम कर रहे हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे उन लोगों की हेल्प करनी थी बस, इसलिए मैं आई धान लगाने के लिए। तो वही सब लिखा हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं खुश भी हूँ कि हाँ मेरा पेपर में फोटो छप गया, होय रब्बा। मेरे ससुराल वाले देखेंगे ना तो कहेंगे ये लो बेटा खेतों में काम कर रही है लड़की, है ना। पर कोई ना, मैं तो उन लोगों की हेल्प करने गई थी, ये काम कोई बुरा नहीं था, हर चीज़ सीखना चाहिए लाइफ में, हर एक चीज़ को करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पीछे बच्चे कितने सारे थे जिनके पास कपड़े नहीं थे, चप्पल नहीं थी, ऐसे गर्मी में धूप में ऐसे घूम रहे थे। मन में सोचती हूँ कि इतना पैसा हो जाए मेरे पास कि मैं ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकूं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, चप्पल नहीं है पैरों में। तो सोचा बहुत कुछ है, बस पैसा आने लग जाएगा ना तो मैं सबकी हेल्प करूंगी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं, मुझे अच्छा लगता है दूसरे की हेल्प करना, और ऐसे कि जिनको ज़रूरत है उनकी तो करनी ही करनी चाहिए। तो गाइस ठीक है, मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए